नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गुप्ता आप सबका आत्मवंदन करती हूँ और PMC हिंदी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीतायन की कहानी सुनाने के लिए। मैं अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि इस पुस्तक को हिंदी में अपने भावानुवाद देने का सुअवसर मुझे हमारे गुरु ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी द्वारा मिला और इस किताब को मैंने हिंदी के अपने भावों से लिखने का प्रयास किया और उस बहुत सुंदर किताब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसकी लेखिका US बेस्ड ऑथर डेना मेरियम जी हैं, उनके उन भावों को, अनूठी भाव शैली को, अद्भुत मैसेज को, जो पूरे के पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये किताब उन्होंने चैनलिंग कर माता सीता की वो बातें, वो अनकही कथा जिसे आज तक हम सब नहीं जानते थे, वो नई बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत की है। उसके लिए एक बार फिर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और स्वयं को भी प्रभु और श्री राम माता सीता को बार बार नमन करते हुए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे चुना गया इस कार्य के लिए। और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर, इन सुंदर दिनों में जो ऊर्जा से भरे हुए हैं आप सबके सामने, मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, रख पा रही हूँ। प्रभु श्री राम माता सीता की ऊर्जा को हम सब महसूस करें अपने जीवन में हर क्षण हर पल, उनके भक्त वीर हनुमान की शक्ति को, उनके साहस को, उनके शौर्य को, प्रभु श्री राम के संघर्ष को हम सब जाने समझें इस नए शैली में, इस नई कहानी में जिसमें माता सीता की छवि बहुत सुंदर, बहुत अनूठी और अद्भुत है। वो सब संशय जो बचपन से हम लेकर चले आ रहे थे, वो कहानी रामायण की जिसमें माता सीता की छवि एक बेबस भारिया के रूप में थी, अबला के रूप में थी, जिसे कई परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसे अपने बच्चों को लेकर दोबारा वनवास जाना पड़ा, जिसे रावण द्वारा अपहरित किया गया, जो बाधित थी। पर यहाँ ये सीता कमज़ोर नहीं, बाधित नहीं, उसकी सहमति के बगैर कोई कार्य नहीं, क्योंकि वो नारायणी है, है उस परम परमेश्वर नारायण की शक्तिशाली पत्नी, नारायणी महालक्ष्मी स्वरूपा, जो जानती हैं उनके इस जीवन का क्या उद्देश्य है, किस कारण से वो धरती पर आए हैं। माँ वसुंधरा की वो पुत्री हैं, माँ वसुंधरा का धैर्य, सहनशीलता, शक्ति और वो देवी जो सबको देती है, जीवन दान देती है, वो हैं सीता। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जाना कि किस प्रकार माता सीता को पूर्वाभास हो चुका था। नदी गोदावरी, जिनको वो अपनी पुत्री समान समझती थी, उनसे बात किया करती थी, वो जान चुकी थी। सीता माँ को गोदावरी ने चेतावनी दे दी थी कि माता, वो समय निकट आ चुका है जब आपको उस आसुरी शक्ति रावण का मुकाबला अकेले करना है। और वो ये समझ चुकी थी, जान चुकी थी कि उन्हें अपने कौशलों की, अपने धैर्य की, सहनशीलता की, अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा देने का समय आ गया है। और जब वो सहमति देती हैं इस बात की कि हाँ वो तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं वो क्यों आई हैं, क्या कारण है, इस आसुरी मायावी शक्ति का अंत जो वन्य जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा था, हजारों लोगों की जान ले रहा था, उससे इस धरा को मुक्त करना, पूरी पृथ्वी पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना, ये था उनके जीवन का उद्देश्य। और जब उन्होंने सहमति दी तो वो देखती हैं यकायक मौसम में बदलाव आ गया, अंधकार छाने लगा, बादल छा गए आसमान में, और ये कुछ ही दिनों के अंदर तीसरा तूफान था। वो छोटे छोटे जानवर जो उनके सामने आ जाया करते थे, उनसे मिलने, उनका प्रेम पाने, अपना प्रेम व्यक्त करने, वे सब छुप गए थे, गायब हो चुके थे, किसी भयभीत थे, किसी अनजाने डर से, शायद वो उस आसुरी शक्ति को जान पा रहे थे। माता सीता ने प्रभु राम को भी ये कहा जब उन्हें ये दिख रहा था
कि अब वो क्षण वो घड़ी आने वाली है पास जब उन्हें प्रभु राम का और उनका बिछोह नज़र आ रहा था। वो समझ रही थी कि अब उन्हें अलग होना है, ये वही समय है। वो पूर्वाभास में देख चुकी थी प्रभु राम को कितना कष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह सब उन्हें बहुत द्रवित कर रहा था। आंखों में आंसू भर उन्होंने श्री राम से कहा, यदि हम अलग हो भी जाएं किसी भी कारण से तो आप मेरे लिए भयभीत ना होना, आप आश्वासन रखना मैं जहाँ भी रहूँगी सुरक्षित रहूँगी। प्रभु राम भी उन्हें कहते हैं, हमें कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति अलग नहीं कर सकती, आप ही वो हैं जो मुझे जीवन संरक्षण देती हैं, शक्ति देती हैं, ऊर्जा देती हैं, जिस प्रकार जनक बाबा को दिया करती थी। और सीता माँ कहती हैं, आपको देखकर उस अलौकिक प्रेम को, उस शक्ति को मैं भी महसूस करती हूँ जो मेरे जीवन को संरक्षण देता है, प्रेम देता है। सीता प्रभु राम को कहती हैं, आप वे शक्ति हैं, वे धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करता है और उस दुख दर्द को दूर करता है जो मैं इस पूरी धरती के सभी जीव मात्र के लिए महसूस करती हूँ। ऐसा कहती तो है पर वह कहीं ना कहीं मन में चिंतित हैं और अपनी चिंता के इस भाव को दूर नहीं कर पाती। प्रभु राम उन्हें प्रसन्न करने की बहुत कोशिश करते हैं कि वापस किसी तरह प्रसन्न हो, पर वो स्वयं भी चिंतित हैं पर माता सीता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वो असफल रहते हैं। तभी उनकी कुटिया के पास उन्हें एक स्वर्ण मृग नज़र आता है। उसे देखकर प्रभु राम ये सोचकर कि माता सीता उसे देखकर प्रसन्न होंगी, कहते हैं, ये देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है, इसे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। माता सीता जैसे ही देखती हैं प्रभु राम अपना धनुष बाण लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए, वे उन्हें आवाज़ देकर रोकना चाहती हैं, पर जैसे उनकी आवाज़ रुक जाती है वे आगे बढ़कर अपने कदम उठाकर उन्हें रोकना चाहती हैं, पर मानो उनके पांव जम जाते हैं और वो वहीं उसी जगह पर स्थिर हो जाती हैं, हिल नहीं पाती जब तक प्रभु राम वहाँ से चले नहीं जाते। उनके जाने के पश्चात जब उनके मुँह में उनकी वापस उनके स्वर लौटते हैं, वो उन्हें पुकारती हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी लक्ष्मण निकल और बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ और सीता माता उन्हें सारा वृतांत बताती हैं। अब बहुत देर हो चुकी, प्रभु राम वापस नहीं लौटे, माता सीता का चिंता करना और बढ़ जाता है। वह लक्ष्मण को कहती हैं कि वे जाकर प्रभु राम को ढूंढें। लक्ष्मण उन्हें छोड़कर अकेले जाना नहीं चाहते थे पर सीता माता के बार बार कहने पर वे उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। वे जानते थे उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंतु माता सीता के अनुरोध पर लक्ष्मण निकल जाते हैं। तभी यकायक उनके कुटिया के परिसर में कोई साधु प्रवेश करता है जिसे देखते ही वे जान जाती हैं कि वे रावण हैं और भिक्षा मांगने के लिए आया है। उसको ना करने का तो कोई संभावना ही नहीं थी। वो सीता जो बचपन से अतिथियों का सत्कार करती थी, साधु संतों की सेवा करती थी, उन्हें भिक्षा देती थी, अपने हाथों से भोजन कराया करती थी, वो किसी को भिक्षा के लिए ना कर ही नहीं सकती थी। वो आगे बढ़ती हैं, वे जानती थी कि वो अपनी सीमा से बाहर निकल रही हैं और ये भेंट रावण से सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी, उससे बढ़कर कहीं होगी। वे तैयार थी इसके लिए, वे सहमति पहले से ही दे चुकी थी। वे जानती थी कि उन्हें उसके राक्षसी साम्राज्य और नकारात्मक मन में प्रवेश करके सकारात्मक परिणाम लाने हैं, तभी वे उस पर विजय हासिल कर सकती हैं। वे जैसे ही उसको भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती हैं, फलों की टोकरी उस तक देने के लिए, रावण उनकी कलाई पकड़ लेता है और तभी वो दर्द से चिल्ला उठती हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि उसके स्पर्श मात्र से उनके और प्रभु राम के बीच का वो जो सुनहरा सुंदर संपर्क है वह टूट जाएगा और रावण उन्हें अपने साथ ले जाता है। अनुसुईया यह सुनकर विस्मित स्वर से चिल्ला उठी, क्या सचमुच? सीता माँ जान चुकी थी कि उनका लंका जाना रावण की हार के लिए अनिवार्य है और ये वह नहीं थी जो इस
जाल में फंसे थे। वास्तव में रावण था जो उनके जाल में फंस गया था, और रावण इस प्रकार उनको अपहृत कर अपने विमान में बिठा कर ले जा रहा था, जब उसने उनका हाथ पकड़ा कलाई थामे। माता क्रोध से चिल्ला उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने दुस्साहस कैसे किया मेरा हाथ पकड़ने का। माता क्रोध से एक अंगारे की भांति दमक रही थी। ये देखकर रावण पीछे की ओर हट गया। तभी अचानक उनकी रुदन को सुनकर, जब वो श्री राम का नाम पुकार रही थी, गिद्धराज जटायु जो वृद्ध थे उनकी मदद करने के लिए आगे आए, और उनको देखकर रावण ने बड़ी क्रूरता के साथ अपनी तलवार से उनके दोनों पंखों को काट दिया। माता सीता बड़े जोर से कष्ट से चिल्लाई, जैसे मानो उनके ही हाथ कट गए हों। तभी वो बहती हुई पवन आकर जैसे धीमे से उनके कान में कह गई, माता सीता, जिस चुनौती को स्वीकार कर आप आई हैं और जिस इतने बड़े मकसद को पूरा करने के लिए आप आई हैं, उसमें एक जीवन नहीं अनेकों जीवन के बलिदान लगेंगे। और माता सीता ये देखकर रुदन करते हुए, मन में पीड़ा का अनुभव करते हुए, ये सोचकर जब कुटिया में श्री राम उन्हें नहीं पाएंगे तो किस प्रकार वे विचलित हो उठेंगे, उन्हें याद कर वे रो पड़ती हैं। और जब वे लंका में पहुंचते हैं तो लंका में वहाँ पूरी भरी सभा, बहुत से लोग उनके लिए वहाँ खड़े थे रावण को बधाई देने के लिए। उनमें से सुर्पणखा भी एक थी, और बड़ी कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए सीता को देखकर उसने कहा, मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, और उन्हें अपशब्द कहे। सीता अपमानित महसूस करते हुए पर मन ही मन प्रभु राम को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। जिन गलियारों को पार करते हुए वे आगे बढ़ रही थी, वे जा रही थी, वहाँ उन्होंने एक वृक्ष को देखा, जैसे मानो वो उन्हें बुला रहा हो। उस वृक्ष को देखकर वो ठिठक गई और वहीं रुक गई, और वहीं उन्होंने अपना विश्राम करना, वहाँ रुकना उन्हें सही लगा, और वो वहाँ बैठ गई, वहाँ रुक गई। तभी कुछ राक्षस सेविकाएं उनके लिए कुछ जल और फल लेकर आ गईं। माता सीता ने उस जल के कुछ चंद घूंट ही पिए थे, उनको मानो वो ध्यान में बैठ गईं, और उन पे मानो कोई एक जैसे मूर्छा सी छा गई हो, और कुछ इस प्रकार के भ्रम, एक अनेक विचित्र सी छवियां उनके आगे आने लगीं। उन्होंने जिस चुनौती को स्वीकार किया था, वे जानती थी रावण मायावी है, पर इस तरह के दृश्य, इस तरह का चुनौती का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो ये नहीं जानती थी। वो आई तो थी लंका में रावण के मन को परिवर्तित करने के लिए, उसके मन से उस अहंकार को, घृणा को, नफरत को, क्रोध को दूर करने के लिए, और उसमें शांति के, अमन के, प्रेम के बीज बोने के लिए। पर वे नहीं जानती थी उन्हें किस प्रकार के संघर्ष को करना पड़ेगा। वे उसके मन में प्रवेश कर उसके हृदय को परिवर्तित करना चाहती थी, पर रावण उनके विचारों को जानकर उन पर किस प्रकार का अपने भ्रम जाल से, माया के जाल से आक्रमण कर पाएगा, कर सकेगा, वह उसकी शक्ति को नहीं जानती थी। और रावण उनके अंदर, उनके मन में उनको अनेक भ्रामक दृश्य दिखाने लगा, जिसको देखकर वह घबरा गई। रावण सीता माँ के मन पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था, उनको अनेक भ्रामक दृश्य दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। वह जानता था इस बार उसका मुकाबला एक सशक्त नारी के साथ हो रहा है, और उनको जीतना उसके लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी, एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह सोचकर इस चुनौती को वह बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर रहा था, और अनेक मायावी दृश्य दिखाकर उन्हें भ्रमित कर रहा था। पर वह नहीं जानता था उसका मुकाबला किस शक्ति के साथ होने वाला है। यहाँ कुछ लाइनें जो बड़ी सुंदर है दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर, कि किस प्रकार मनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गहरे और गहरे में माता
तब तक अंधकार में उतरती गई जब तक उन्हें घूमते हुए अंतराल ने घेर नहीं लिया और उस काली सुरंग ने उन्हें निगल नहीं लिया। वे बार बार प्रभु राम को पुकार रही थीं, पर श्री राम की उपस्थिति या प्रतिक्रिया वो महसूस नहीं कर पा रही थीं। इससे पहले वो जब भी कभी श्री राम को याद करती, उनकी उपस्थिति को वो तुरंत उनके मानसिक पटल पर प्रकट हो जाते थे और उनको किसी भी नकारात्मक सोच से रोकने के लिए अपना सबल बल उन्हें प्रदान किया करते थे। अपने आत्मसंयम को बरकरार रखने का वे संघर्ष कर रही थीं, पर वे इसमें सफल नहीं हो पा रही थीं। रावण ने उन्हें इस तरह की विकराल आकृतियां दिखानी शुरू कर दी थीं, जिसमें उन्हें एक सुनसान उजाड़ भूदृश्य दिख रहा था, जहां पूरी तरह बंजर जमीन थी, कोई जीवन का नामो निशान नहीं था। वृक्ष जलकर राख हो रहे थे, सूखी हुई नदियां काले पर्वतों में सुलगते ज्वालामुखी से लावा जैसे मानो रक्त बह रहा हो, और उन जलती लाल चिंगारियों की रोशनी से मंद मंद प्रकाश हो रहा था जिसमें उनका दम घुट रहा था। जैसे मानो उस दृश्य में कहीं सूरज चांद सितारे कहीं विलीन हो गए हों, और प्रत्येक जीव जो भी वहाँ दिख रहा था उनमें उनका दम घुट रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की, वे सब अधगले चेहरे आंशिक रूप से विकृत लाशों के ढेर थे, जिनमें से आवाज़ें आ रही थीं। अत्यधिक वेदना से उन्होंने पूछा, ये कौन सी जगह है जहाँ मौत की पुनरावृत्ति होती है? और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, उनको देखते हुए वहाँ से भागने लगी, हाँफते हुए दौड़ते हुए। और उन्होंने देखा कि वो सब लाशें चीख रही थीं, उनका नाम पुकार रही थीं, ये क्या हो गया आप सबको, ये किसने किया? माता दर्द से पूछ उठी। वे लाशें उठी और एक साथ बोलने लगी। माता ने देखा वो लाशें स्त्रियों में बदल गई थीं, जो दुर्व्यवहार और विकृति का शिकार हुई थीं। उन्हें एहसास हुआ ये वे स्त्रियाँ थीं जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। कुछ को उसने मार दिया था, कुछ अन्य को अन्य ने उसके द्वारा प्रताड़ना के बाद स्वयं को ख़त्म कर दिया था। हमारी मदद करो माता, उन लाशों ने पुकार लगाई। उनकी दहशत अचानक प्रेम व करुणा में परिवर्तित हो गई। उन्होंने उन अधगले चेहरों पर हाथ फेरते हुए एक एक करके उन सभी लाशों को छुआ और उनको धीमे स्वर में कहा, अपना ये दुख मुझे दे दो। उन प्रताड़ित महिलाओं के मध्य खड़ी माता का स्वर गूंजा, रावण देखो तुमने ये क्या कर दिया है, और जो स्त्री को प्रताड़ित करता है उसे इसका दंड भी भोगना होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तभी वहाँ रावण की आकृति प्रकट हुई और उसने ठहाके लगाने शुरू किए। सीता के कानों को चीरती हुई एक गहरी तेज हंसी, वे अट्टहास इतना तीव्र था कि मानो कान फटने लगे। तुम्हें मेरी जीत की निशानी मिल गई सीता, इनका सृजन मेरे विलास के लिए किया गया था। सीता ने जिस स्त्री को थाम रखा था उसे छोड़ दिया और देखा वे सब धूल में परिवर्तित हो गई। रावण भी हंसी के एक बादल के साथ लुप्त हो गया। यह सब एक भ्रम जाल था या वास्तविकता, वे समझ नहीं पा रही थी। वे कमज़ोर और भ्रमित ज़मीन पर फिर गिर पड़ी और बड़ी कठिनाई से उठी और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलने लगी। इस उजाड़ स्थान से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, उन्होंने सोचा। तभी उन्हें खूबसूरत जंगल दिखाई दिया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी कि वो आज़ाद हो गई हैं। और जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा एक झील के किनारे श्री राम विश्राम कर रहे हैं। उनके होठों पर खुशी की लहर दौड़ उठी और वे उनकी ओर दौड़ उठे। पर नज़दीक जाके उन्होंने देखा वो किसी खूबसूरत अनजान स्त्री के पास लेटे थे और उन्हें कह रहे थे कि सीता मर चुकी है, अब तुम अयोध्या की रानी बनोगी। माता के खुशी के आंसू दर्द के रुदन में बदल गए, वह दृश्य विलुप्त हो गया। उनके सामने अयोध्या का राजमहल था, राम राज सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ वो खूबसूरत सुंदर स्त्री बैठी थी। लोग आ रहे थे, उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। नहीं नहीं, वह रो पड़े, मैं मरी नहीं राम, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, अपने घुटनों पर गिरते हुए उनकी छाती दर्द से भारी थी, आँखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। अपनी आँखों के सामने उन्होंने राम को रावण में बदलते हुए देखा, फिर वही यातनापूर्ण हंसी वातावरण में विष घोल रही थी। माता ने कानों को अपने हाथों से बंद किया और वहाँ से नज़र हटा ली, लेकिन वो जहाँ भी देखती रावण की ही आकृति नज़र आती। प्रत्येक आकृति के पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी होती और वह उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता। यह दृश्य
देख उनका हृदय पीड़ा से चूर चूर हो रहा था। उन्हें लगा कि निश्चित रूप से मेरी मृत्यु निकट है। फिर वो दृश्य ओझल हो गया, स्वयं को उन्होंने फिर अंधेरे में ही पाया। यह भ्रम जाल है, उन्होंने स्वयं से मन ही मन कहा, यह वास्तविक नहीं, मुझे मायावी जाल में फंसा दिया गया है, मुझे इन झूठी छवियों के छलावे में नहीं आना। बचने की कोशिश में वे अंधेरे में भागी, लेकिन खुद को कांच की दीवारों में घिरा पाया। वे जहाँ भी देखती व्यंग करता ताने कसता रावण का चेहरा उन्हें घूर रहा था। वे सब दिशाओं में भटक रही थी, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ये कौन सी शक्ति है, वे बड़बड़ाई। वे हर दिशा में गईं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। थककर वे ज़मीन पर गिर गईं। माता ने माँ वसुंधरा को मदद के लिए पुकारा, किंतु वहाँ कोई धरती नहीं थी। उन्होंने हाथ उठाकर बढ़ाकर मिट्टी को मुट्ठी में भर लिया, किंतु उसमें जीवनदायिनी शक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। वहाँ धरती मानो थी ही नहीं, वे किसी और वीराने किसी दूसरे संसार में पहुँच चुकी थी। यह भ्रम की दुनिया थी, रावण की माया की दुनिया थी। सो इस कहानी में यहाँ मैं आपको ये सुनाना चाहती थी कि किस प्रकार रावण अपनी माया से उनको किस प्रकार पीड़ित कर रहा था, और माता ने ये सारे दुख दर्द सहे, ये त्याग किया हम सब के लिए, ताकि इस सृष्टि पर ये वो बदलाव आ सके, वो सकारात्मक ऊर्जा का राज्य स्थापित हो सके, और ये नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। इसके लिए मैं बार बार अपने हृदय से माता सीता को अपनी आत्मा से नमन करती हूँ। किस प्रकार उन्होंने उस काल में आकर इतने दुखों को सहा, इतने कष्टों को सहा, और उस रावण को उसकी माया से बाहर निकल कर अपने मन को, अपने मानसिक शक्ति से वापस अपने संयम को बरकरार रखते हुए स्वयं को संभाल लिया। लेकिन एक बार फिर रावण की क्रूर हंसी वातावरण में गूंजने लगी। माता ने फिर स्वयं को एक बच्चों की कटी फटी लाशों के समुद्र के बीच में पाया, और वहाँ किनारे पर उनकी माताएं चिंघार रही थी, चिल्ला रही थी दर्द से, पीड़ा से, माता हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को पुनः जीवित करो। ये सब दृश्य देखकर, इस विनाशकारी दृश्य को देखकर, इस प्रकार की आतंक को देखकर माता का हृदय मानो दर्द से फटा जा रहा था। उनके मन में आया कि मुझे ये सब छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाना चाहिए और अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए। ये विचार आते ही जैसे मानो उनका जीवन निस्तेज पड़ने लगा। उन्हें लगा बस अब मैं इस और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको मैं देख नहीं सकती। और जैसे ही ये विचार उनके हृदय में आता है, प्रभु राम को याद करते करते वो अपने इस जीवन को त्यागने का जैसे ही विचार बनाती हैं, तभी उन्हें लगता है एक शक्ति, एक अलौकिक शक्ति, एक प्रकाश की ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश कर रही है। श्री राम के साथ उनका संपर्क फिर बन रहा था, और वो प्रभु राम की शक्ति उनके अंदर वापस जीवनदायिनी शक्ति को, जीवन जीने की ताकत को वापस लौटा देती है। प्रभु राम की मधुर आवाज़ उनको कहती है, सीता, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ही उनके अंदर श्री राम की आवाज़ आती है, उनकी मधुर आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, सीता जानती थी ये सब मिथ्या है, भ्रम है, पर इसे जानते समझने के बावजूद वो क्योंकि इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उन्हें समझ में आया ये सब भ्रम है, रावण का माया जाल है। उन्होंने रावण को देखा, वो उन्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है बार बार। इस दृश्य को देखकर सीता माता के मन में आया, आखिर इस विकृत मानसिकता के पीछे कौन है, कौन है जो इस खौफ को इस धरती पर पनपाना चाहता है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन है जिसके दिमाग में इस तरह के विकराल विचार आते हैं। तभी उन्हें जवाब मिला, ये वो हिरण्यकश्यप है जिसने स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया था। ये वो क्रूर दिमाग रावण का ही है जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। और जैसे ही उन्हें ये समझ में आता है, वो रावण के मन में पहुंचकर उसके भीतर वापस करुणा और प्रेम का विचार जगाने का प्रयास करती हैं। रावण समझ जाता है कि सीता उनके विचारों को पढ़ सकती है।
वो समझ पा रही है उसके अंदर कौन से विचार चलते हैं। माता सीता ये जानने का प्रयास कर रही थी कि रावण के भीतर वो कौन सा दर्द दबा है, किस प्रकार मैं उसका दर्द दूर कर सकूं, किस प्रकार मैं उसे उस दर्द से राहत दिला सकूं, उसके भीतर वापस वो प्रेम और करुणा के भाव जगा सकूं। वे रावण के दिमाग में प्रवेश करके उसे समझाना चाहती थी, परंतु रावण बहुत चालाक और मायावी था और वह उन्हें बार बार डर के विचारों से डराने की कोशिश कर रहा था। माता सीता ने इतना अपने भीतर इस दर्द को आत्मसात कर लिया था कि उनके मन में बार बार ये विचार आता था कि अपने इस जीवन का वो अंत ही कर लें। यदि प्रभु राम की दिव्य शक्ति उनकी मदद ना करती, उस समय आकर उनका बचाव ना करती, तो शायद वो अपने प्राणों को ही त्याग देती। सो यहाँ दोस्तों हमने जाना कि माता सीता किस तरह इस नकारात्मक ऊर्जा से दूसरों के दुख और दर्द को देखकर किस प्रकार द्रवित हो जाती थी, और वो इतना करुणा था उनके अंदर, इस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी दूसरों के, जबकि वो रावण के द्वारा दिखाया गया माया का जाल था जिसने उन्हें भ्रमित कर दिया था। सो इससे पहले कि हम आगे की कहानी सुने, चलिए थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, और ध्यान के द्वारा ये जो नकारात्मक ऊर्जा का ये जो हमने सुना है अभी, इसको समझें कि इस विश्व में, सृष्टि में नकारात्मक लोग भी हैं। रावण कल था, आज है, कल भी होगा, पर रावण के साथ राम भी इसी धरती पर हैं, माता सीता भी इस धरती पर हैं, जो इस सारे दुख दर्द से, इस नकारात्मक से दूर करने में सक्षम हैं, यदि वो ध्यानी हैं, दृढ़ संकल्पी हैं। सो चलिए प्रभु राम की और माता सीता की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं और अपने भीतर के हर नकारात्मक विचार को, उस ऊर्जा को, किसी दूसरों के उस बाहरी प्रभाव को, उन बाहरी परिस्थितियों को जो हम पर इस तरह के नकारात्मक दबाव डालते हैं, उन्हें अपने से अलग कर दें। जस्ट लेट गो ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम आवर माइंड्स एंड कनेक्ट विद द पॉजिटिव ऊर्जा ऑफ श्री राम एंड माता सीता। जस्ट क्लोज योर आइज माय डियर फ्रेंड्स, अपनी आँखें बंद कर कुछ समय के लिए इस मधुर संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों की हथेलियों को आपस में बांध लीजिए, यदि आपने चश्मे पहने हो तो उन्हें उतार लीजिए। आप सबके हृदय भारी हो गए होंगे, इस विभत्स दृश्य की परिकल्पना मात्र से चलिए ध्यान की इस यात्रा से तलाशें अपने अंतर मन में, गहराइयों में दबे उस अंधकार को, तकलीफों को, दुख दर्द बीमारियों को, जिन्होंने हमें ग्रसित किया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा विचार यदि हमारे अंदर है, उसे हम अपने से दूर कर सकें, आवाहन करें उस परम दिव्य शक्ति का, जो कण कण में व्याप्त है, हर जीव मात्र में व्याप्त है,
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उसके दर पे तो आकर के दे, उसके दर पर तू आकर के दे, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। मन ही मन उन दैवी शक्तियों का आवाहन करें, क्षमा मांग लीजिए अपनी हर उस गलती के लिए जो इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में भी यदि कोई भूल हो गई हो, जाने या अनजाने, हर उस भूल के लिए हम पश्चाताप कर लें। क्षमा प्रार्थी हो जाएं और इस व्यापक दुनिया में नए अनुभव के लिए तैयार रहें। अपनी मानसिक बुद्धि से परे उस दिव्य ब्रह्मांड की उच्च श्रेणी की अदृश्य शक्तियों का आवाहन बहुत प्रेम पूर्वक हम कर सकें। जो मुझे अपने ही भ्रमों को मिटाने और नए अनुभवों को प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकें। मैं शुभ अशुभ सबसे परे, संकल्प विकल्पों से परे मुक्त आत्मा हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, अपने विचारों को शांत करता हूँ, मैं शांत हूँ। सहजता से जीवन के प्रवाह और हर अनुभव के साथ आगे बढ़ता चलूँ। बहुत प्रेम के साथ अपने अतीत का त्याग करूं, मेरा वर्तमान शांतिपूर्ण हो, मेरा भविष्य मेरे वर्तमान से भी अधिक सुंदर व गरिमामय हो, मैं जहाँ भी रहूं वहाँ शांति हो, इस जीवन की अनंतता में मैं जहाँ हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण हो, मैं ब्रह्मांड का अभिन्न हिस्सा हूँ, महत्वपूर्ण हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो, हर क्षण नया हो, मैं स्वयं भी सुरक्षित रहूँ और जीवन में दूसरों को भी सुख प्रदान करने में निमित्त बन सकूं। दिव्य शक्तियां मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं, मैं सृष्टिकर्ता के साथ सदा
एकाकीपन, एकाकार महसूस कर सकूं। मैं ग्रहणशील रहूं, शुभ संकल्प, विचार और समृद्धि के प्रचुर प्रवाह में स्वयं को मैं ब्रह्मांड से मिलने वाले सभी समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए सदैव तैयार रहूं। जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। Just let go the past and welcome a fresh, new, positive, beautiful thoughts. आकृति सेकेंड, हम नहीं जानते कि पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित फल हम आज पा रहे हैं। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी दुर्भाग्य, कोई भी कष्ट, कोई भी परिस्थिति हमारे किन कर्मों का फल है। स्वयं को उनसे मुक्त करने के लिए अकर्ता बन जाए और अपने हर कर्म को प्रभु चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु जो है, जैसा है, सब आपको समर्पित है। पांच, चार, तीन, दो, एक और शून्य। आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आँखों पर रख लीजिए और बहुत कोमलता के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अब आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ।